ग्रीन सेल्ड में जो आज का टॉपिक है बुगनवेलिया पे बुगन वेलिया पर तो इतनी वीडियो है इंटरनेट पे कि हद से ज़्यादा है पर फिर भी आप ऐसे तो है नहीं कि उन वीडियो को देख के सब कुछ हो जाता है कि कुछ ना कुछ नया किसी ना किसी की बात में निकल के आ जाती है तो ये जो मेरा बुगनवेलिया है ये मेरे को एक्सचेंज ऑफर में मिला था मेरे पास अडेनियम थे दो और अडेनियम से है ना मैं इस बार परेशान हो गया था मतलब हर साल कुछ ना कुछ डिजीज़ हर साल फंगस कभी कुछ कभी कुछ तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे मैंने कहा अडेनियम को भी जिंदगी में अपने घर में नहीं रखूँगा तो मैं नर्सरी गया मैंने अपने दो एडीनियम दिए उसको और उसके बदले एक ही ले लिया बस मैंने कहा भैया मुझे चाहिए ही नहीं एडीनियम तू रख और काफ़ी मेरे आप पुरानी वीडियो में देखेंगे मेरे एडीनियम काफ़ी हेल्दी थे काफी का, का, मोटे मोटे कोडेक्स थे पर साल में सिर्फ एक बार फूल लेने के लिए मैं उसकी इतनी मेहनत करता था और बस मैं मेरा मन उग गया था मैं कॉडेनियम रखने ही नहीं थे बस अब हर कितनी भी सेवा कर लो तब भी फंगस लगनी है तो भैया ऐसे प्लांट को रखना ही नहीं है मुझे और तो बात की जाए बुगन वीलिया पर तो बुगन वीलिया का जो ये वाला प्लांट है ये मैंने उससे इसलिए लिया था या नर्सरी वाले ने जो मुझे बताया था वो हाइब्रिड बताया था कि खासतौर तो पे ये बॉन्जाई के लिए है क्योंकि इसकी लीव भी छोटी होंगी उसके फ्लावर भी छोटे ही होंगे तो फिलहाल तो मैंने इसको एक अभी बारह इंच का पॉट दे रखा है उसके बाद मैं इसकी कटिंग ग्रो करूंगा एयर लेरिंग से बारिश आने पर एक एयर लेरिंग करूंगा इसमें उसका मैं बौंजाई बनाऊंगा पर इसे एज अ प्लांट मैं इसी में ही ग्रो करूंगा क्योंकि मदर प्लांट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल ये बिल्कुल सूखी भी डंडी थी और पंद्रह दिन पहले इसमें लीफ आनी शुरू हुई और अचानक से इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है पर उसकी नर्सरी वाले की एक बात मुझे सही लगी इसके वाकई में देखिए लीफ बहुत छोटी छोटी हैं फ्लावर भी छोटे और कंजेस्टेड भी हैं मतलब जैसे मैंने देखा बुगनवलिया में बहुत दूर दूर लीफ होती हैं और बहुत दूर दूर, दूर फ्लावर होते हैं पर इसमें है ना बिल्कुल डेंस है देखिए बिल्कुल टहनी नज़र ही नहीं आ रही कि टहनी है कहाँ पर बिल्कुल डेंस है धूप ये देखिए किसी भी एंगल पे अगर मैं कैमरे को ले जाऊँ तो ये आपको डेंस नज़र आएगा तो फिलहाल तो इसके पॉट जो मैंने इसे बारह इंच का दे रखा है जो सनलाइट है मैंने इसे डायरेक्ट दे रखी है अगर यहाँ बात की जाए तो कम से कम सात आठ घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट पर आ रही है मैंने इसमें फर्टिलाइज़र अभी दे दिया था उसके बाद मैंने फिलहाल इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है मैंने इसे नीम खली भी दे रखी है एनपीके भी मैंने एनपीके मतलब के मतलब मैंने पहले दिया था अब गर्मी में तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इससे लीफ जल जाएंगी प्लांट की और इसमें मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी दिया था वर्मी कंपोस्ट क्या वो गोबर खाद ही बेच रहे हैं मैंने देखा ना क्योंकि जब मैं वर्मी कंपोस्ट खरीद के लेके आया ना तो उसमें मैंने देखा थी वो गोबर खाद पर उसमें केचुओं के अंडे थे ये मैंने रियलाइज़ कराया तो वो एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट बोल के बेच रहे हैं पर उसमें छोटे छोटे मैंने देखा कि येलो रंग के केचुए के अंडे थे और कुछ दिन बाद मैंने देखा केचुए भी काफ़ी हो गए हैं मेरे गमलों में तो वो एक तरीके से गोबर खाद में अगर आप केचुओ के अंडे डालते तो वर्मी कम्पोस्ट के नाम से उसको खाद को बेचा जा रहा है ठीक है हमारे लिए तो दोनों बेनिफिट हैं अच्छी लगती है तो जैसे ऊपर की आप लेकर देख रहे हैं ना ये वर्मी कंपोस्ट के नाम से ही विषय पड़ी है तो अब इसमें जो फर्टिलाइजर था काफ़ी अच्छा दे रखा है मैंने मैं एक डेढ़ महीना जब तक ये जुलाई बारिश नहीं आती तब तक तो मैं कोई फर्टिलाइजर किसी प्लांट पर दूंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है इतनी तेज हरिद्वार में शायद पड़ी नहीं अभी फोर्टी फोर गया था अभी लास्ट दो दिन पहले ही तो इस हिसाब से है ना मैं अभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जलने के काफ़ी चांस होते हैं इससे ना तो अभी ये देखिए मेरा ये ना ये वाला बुगनवेल है बड़ा प्यारा सा लग रहा है और मैं आ, इसका है ना बॉन्स बनाऊँगा ही बनाऊँगा पर फिलहाल अभी नहीं थोड़ा सवर करके बारिश में एक टहनी पे इसकी एयरलेरिंग लेरिंग करूँगा मैं उसके बाद जो टहनी बनेगी उसका मैं वॉन्सा ही बनाऊँगा क्योंकि मेरे पॉट है बोनसाई पॉट अभी ना तो फ़र्टिलाइज़र की बात हो रखी है इसकी पॉट साइज़ की बात हो रखी सनलाइट की बात हो रखी है इसकी और सही पूछो तो मैंने इस प्लांट को है ना लाने से बिल्कुल मनाई कर दिया था कि मैं कभी बुगनवेलिया नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे कांटे वाले पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है पर इस पेड़ की खास बात और है उसने जो नर्सरी वाले ने मुझे बताया था कि ये बॉन्जाइश शेप के लिए तो अच्छा है ही है और ख़ास तौर तो इसमें कांटे नहीं है बिल्कुल भी ये वाला जो बुगनवेलिया है इसमें एक भी कांटा आपको नजर नहीं आ रहा होगा आप देख लीजिए पूरी टाइम पूरी टहनी कहीं से कहीं तक भी देख लीजिए एक भी कांटा नहीं होगा इसमें और वो कहते ना इसमें कांटे आएंगे क्योंकि इसी तरीके से ग्रो किया गया है कि ना तो इसमें कांटे हों और ये डेंस रहेगा और कौन सा शेप ही लेगा आगे चल के बहुत ही इस तरीके से आप जिस शेप में देना चाहेंगे उसी शेप में जाएगा ये तो इसी वजह से मैंने इसे लिया था क्योंकि मुझे कांटे वाले पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे गार्डन में सिर्फ एक नींबू के पेड़ को छोड़ के कोई भी कांटे वाला पेड़ नहीं है मेरे गार्डन में एक भी तो चलिए आ, वैसे तो बोलने मिले पर इतनी वीडियो हैं कि जितना बताएं उतना भी ज़्यादा ही लगता है मुझे लगता है क्योंकि अगर आप एक बार सर्चिंग करेंगे तो हज़ारों वीडियो निकल के आ जाते हैं क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है सबके घर में मिलता ही मिलता है हार्डी प्लांट है आप कुछ भी इसके साथ कर लीजिए जाने वाला नहीं है अगर आप इसके रूट में ही कुछ कर दें तो बात लगे नहीं तो चाहे जितनी कटिंग कीजिए जितना कुछ कीजिए इसके साथ कुछ नहीं होने वाला ये बहुत अच्छा प्लांट है ये देखिए मैं अभी बात कर रहा था ना लेमन ग्रास में हमारे यहाँ ये देखिए ये गा, इस गाय ने मेरा इतना नुकसान का रखा ये देखिए ये, ये खा गई लेमन ग्रास चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ